आज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी बुधवार 11 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज राधाष्टमी उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। राधाष्टमी उत्सव की भावना और प्रभु श्री जी में सेवा क्रम हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, अतः पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं। यदि आप अवलोकन करना चाहें तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आगामी कल के प्रभु श्रीनाथ जी के परचारगी के श्रृंगार के दर्शन हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं। भावना यह है कि आप समय पर प्रभु को लाड़ लड़ाने सेवा में पहुंच सकें। प्रभु श्रीनाथ जी के परचारगी के श्रृंगार के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से पलना एवं सुंदर दर्शन आज के करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। पुनः बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में आज राधाष्टमी उत्सव है। राधाष्टमी उत्सव पर प्रभु को जन्माष्टमी वत श्रृंगार धराए गए हैं। यह नियम के श्रृंगार हैं और उत्सव वत भारी श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में राधाष्टमी की दंडवत करते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। कपोल पर चंदन से कपोल पत्र मांडे हुए हैं तो प्रभु की मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। प्रभु अपने अधखुले नेत्रों से मानो हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल दरियाई वस्त्र की
जन्माष्टमी वाली पिछवाई सजाई हुई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की बड़े लप्पा की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंड पाठ पर भी सुनहरी जरी के लप्पा से सुसज्जित लाल रंग के वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर लाल वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मलमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज केसरी रंग की जामदानी की रूपहरी फूल वाली किनारी से सुसज्जित चाकदार वागा धराए गए हैं और साथ में ऐसी ही चोली धराई हुई है। जो सुथन प्रभु को आज धराया गया है वह लाल रंग का सुनहरी छापा वाला है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के और प्राचीन हीरे मोती के जड़ाव का चौखटा धराया है। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का दो जोड़ का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी स्वर्ण में जड़ित हीरा, पन्ना, माणक, मोती के जड़ाऊ के धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई हार एवं मालाओं पर नीचे रत्न जड़ित पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। केसरी वस्त्र के किनारी से सुसज्जित कुल्हे धराए गए हैं। कुल्हे के ऊपर आभरण से मिलवा जड़ाव का सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज पांच मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ धराई गई। बाईं ओर नित्यवत आभरण से मिलवा शिशफूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात जड़ाव के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। इनके साथ उत्सव की हीरों से सिद्ध चोटी जी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। श्री कंठ में प्रभु के आज कली, कस्तूरी आदि माला जी धराई हुई हैं। मोतियों का कमल धराया है तो पुष्पों से सिद्ध छोगा जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक हीरा जड़ित स्वर्ण के एवं दूसरे स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें आज पट उत्सव का सुनहरी जड़ी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की जड़ाव की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए
आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी श्रृंगार में जड़ाऊ स्वर्ण की एवं राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में आज बधाई बरसाने, अभ्यंग में बरस गांठ वृषभान लली की, राजभोग में आज वृषभान के आनंद, उत्थापन में रावल की बधाइयाँ गाई जाती हैं, तो आरती में जदवंशी जिजमान श्री वृषभान रायजू के आंगन, यह ढाड़ी ढाड़न गाते हैं। शयन में काम केली कनक वेली रंग रेल, मान के पद में आज बनी कुंजेश्वरी रानी, पोड़ुवे में राय गिरधरन संग राधिका रानी, कीर्तनों का गान हो रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला श्रृंगार राजभोग भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में आज शयन के समय डोल तिवारी में ध्रुव पारी के पास बड़ी बिछायत की जाती है, कांच का बंगला पधराया जाता है एवं विभिन्न साज सज्जा की जाती हैं, जो कि अनवसर में भी रहती हैं और अगले दिन शंखनाद के पश्चात हटा ली जाती हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब भाद्रपद शुक्ल नवमी गुरुवार 12 सितंबर 2024 के दर्शन कर लेते हैं। नवमी के दर्शन की भावना से दर्शन करें, सभी जगह आज शब्द का प्रयोग है। आज प्रभु श्री जी को नियम के राधाष्टमी के प्रचार के श्रृंगार धराए जाते हैं। इन श्रृंगारों में श्री जी में सभी साज वस्त्र एवं श्रृंगार पिछली कल की भांति ही होते हैं। केवल पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे मोती के जड़ाव का चोखटा नहीं धराया जाता है और आभरण कुछ कम होते हैं। गेंद, चौगान, दीवाला आदि सभी सोने के आते हैं, तो तकिया के खोल एवं साज जड़ाऊ स्वर्ण के काम के आते हैं। दिन में सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और चारों समय आरती थाली में की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि श्री जी में सभी बड़े उत्सवों के एक दिन पश्चात प्रचारकी का श्रृंगार धराया जाता है। यह श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का क्रम है, जिसमें उत्सव के एक दिन पहले आगम का श्रृंगार, उत्सव के दिन उत्सव का श्रृंगार और एक दिन पश्चात प्रचारकी का श्रृंगार धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करते हैं। आए जय रावल में जय जय का सर्वप्रथम प्रभु श्री जी की साज सेवा के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में लाल दरियाई की पिछवाई धराई जाती है। विशेषता यह है कि
यह बड़े लप्पा की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाली होती है और जन्माष्टमी के दिन भी धराई जाती है। पिछवाई के साथ साथ प्रभु श्री जी के सम्मुख पधराए जाने वाले खंड पाठ पर भी ऐसे ही वस्त्रों की बिछावट की जाती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा आदि पधराए जाते हैं, जिनके साथ तृष्टि एवं खेल के साज भी पधराए जाते हैं। आज गादी तकिया विशेष आते हैं, जिनके ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण जड़ित दो पड़घा जी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं, तो सन्मुख में धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी जाती हैं। और जो खेल के साज प्रभु के सन्मुख पधराए जाते हैं, उनमें पट लाल रंग का एवं गोटी जड़ाऊ स्वर्ण की पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को केसरी रंग की जामदानी के वस्त्र धराए जाते हैं। विशेषता यह है कि रूपहरी फूल वाली किनारी से यह सुसज्जित होते हैं और आज चाकदार वागा धराए जाते हैं। इनके साथ प्रभु को चोली भी धराई जाती है। प्रभु को धराए जाने वाले सूथन आज रेशम का होता है, जो लाल रंग का सुनहरी छापा वाला होता है। ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए जाते हैं। यह सभी आभरण उत्सववत मिलवा, हीरे, मोती, माणक तथा जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी रंग की कुल्हे धराई जाती हैं, जिनके ऊपर सिरपेच धराया जाता है और पांच मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ धराई जाती है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यही वस्त्र श्रृंगार प्रभु को कल राधा अष्टमी के अवसर पर भी धराए गए थे। श्री कर्ण के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं, तो उत्सव की हीरा की चोटी जी भी प्रभु को धराई जाती है। मुखारविंद पर प्रभु के चंदन से कपोल पत्र किए जाते हैं। विशेष रूप से आठ पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, मानक मोती के हार एवं माला जी धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कली कस्तूरी आदि की माला जी भी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार आभूषणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज उत्सववत दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में मंगला में आज नवनागरी प्यारी तू वृंदावन, राजभोग में तू देख सुता वृषभान की, आरती में काम केली कनक वेली, शयन में रावल में आज जय जयकार, मान के पद में राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, पोढ़वे के पद में राय गिरधरन संग राधिका रानी, कीर्तनों का गान किया जाता है। प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं, तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
बाजे गोकुल मदीन रावल के काहे गोप आज ब्रज धोनि जसोदा के भयो ब्रस बाण जूसो कयो जसो दाके पुत्र भयो ब्रस बाण जूसो कयो गोपी ग्वाल ले दाय दूध दधि गगरा गोपी ग्वाल ले ले दाय गोपी ग्वाल ले ले दाय रावल के का
के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।